एक महिला का आरोप है कि वह अभिनेता और बीजेपी नेता रवि किशन की पत्नी है। खुद को अपर्णा बताने वाली महिला ने दावा किया कि उसकी शादी 1996 में रवि किशन से हुई थी। मुंबई की रहने वाली अपर्णा ने आरोप लगाया कि मौजूदा लोकसभा सांसद न तो उन्हें और न ही उनकी बेटी को स्वीकार कर रहे हैं। महिला ने कहा कि वह अपनी बेटी को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप लगा रही हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ। जो आप कह रहे हैं वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को बताइए। हाँ, क्या आप क्या नहीं मांगे हैं, आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉक्टर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, नहीं सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाए हैं और मंगलसूत्र भी पहनाए। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, जगह पर हुई थी, बॉम्बे में। शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फोन ही नहीं था, आप समझ रहे हो, क्योंकि जो पहले की बात है वो फोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जो 25 साथ में हैं, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है और काफी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनके मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो है जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा।